सो अभी बहुत सारे काइन मास्टर यूजर्स का शिकायत आ रहा है कि भाई जब अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन में वीडियो को एडिटिंग करने जा रहे हैं और वहाँ जब वीडियो को एडिटिंग करने के बाद बाहर आ रहे हैं, उसके बाद फिर से जब काइन मास्टर एप्लीकेशन को हम ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा जो काइन मास्टर एप्लीकेशन है ओपन ही नहीं हो रहा है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जा रहा है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई जब काइन मास्टर एप्लीकेशन में हम वीडियो को एडिटिंग कर रहे हैं, एडिटिंग करते करते ऑटोमेटिक वहाँ से हम ऑटो बैक हो जा रहे हैं, मतलब कि सीधे हम एडिटिंग से बाहर निकल जा रहे हैं। तो इस तरह से लोगों का कहना है कि भैया यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके बारे में बताओ कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करें, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, इंस्टाग्राम पे भी आया और टेलीग्राम पे भी आया, तो अब चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, ठीक है। विद प्रूफ दोस्त हम आपको इसे सोल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ से आपको बैक आ जाना है, ठीक है ना। बैक आने के बाद आपको करना क्या ना कि आपको अपने स्मार्टफोन के सेटिंग्स में आ जाना है। तो चलिए यहाँ पे अपने सेटिंग्स में आ जाते हैं फोन के, ठीक है ना। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्त आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको खोजना है ऐप मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर आप क्या खोजेंगे, ऐप मैनेजमेंट, या तो हो सकता है कि आप में ऐप लिस्ट से हो या तो कुछ भी से हो, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे फिलहाल हमारे फोन में ऐप मैनेजमेंट से, तो यहाँ पर आप देख लेंगे, तो इसको दोस्त आपको टाइप करना है, ठीक है। टाइप करने के बाद दोस्त यहाँ पर आपको एक ऐप लिस्ट का ऑप्शन रहेगा, तो इस पर दोस्त आप टाइप करेंगे। जैसे ही टाइप करेंगे दोस्त, आपके स्मार्टफोन में जितने भी ऐप्स मौजूद रहेंगे सारे ऐप्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग ले रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट करते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेने में यहाँ पर समय लगता है, क्योंकि बहुत सारा ऐप्स होता है ना फोन में, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है, ठीक है। मतलब कि 10-15 सेकेंड लगता है और उससे ज़्यादा नहीं लगता, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए बहुत सारे ऐप्स हैं। अब इसके बाद दोस्त यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर आपको आ जाना है सर्च बार में और यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है काइन मास्टर, ठीक है। इस तरह से टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपका काइन मास्टर आ जाएगा, तो इसके ऊपर आप टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए चाहें तो यहाँ पर आप स्टोरेज पे क्लिक करके जो है ना स्टोरेज यूज इसके ऊपर टाइप करके यहाँ पर दोस्त चाहें तो आप क्लियर डाटा या क्लियर कैच भी कर सकते हैं, लेकिन इससे होगा क्या कि आपका उसमें जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। तो ऐसा दोस्त हम आपको सजेशन नहीं देंगे। एक बार दोस्त आपको करना क्या है, यहाँ से बैक आके यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टॉप है ना, इसके ऊपर आपको टाइप करके यहाँ से दोस्त आपको फर्स्ट स्टॉप कर देना, ठीक है। जैसे ही कर लेंगे इसके बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे और बैक आने के बाद आपको करना क्या है कि आपको अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करके देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे बिल्कुल दोस्त आपका प्रॉब्लम है 90% है कि सोल्व हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और कोई भी प्रोजेक्ट आपका डिलीट भी नहीं होगा। फिर भी दोस्त अगर नहीं होता है तो फिर दोस्त आप क्लियर डाटा एंड क्लियर कैच है उसे कर सकते हैं, और बार बार ये प्रॉब्लम आ रहा है दोस्त, फिर आप फर्स्ट स्टॉप करके 2 सेकंड में आपका हो जाएगा, आराम से फर्स्ट स्टॉप कर दीजिए। इसके बाद आप काइन मास्टर को ओपन करके उसमें वीडियो को एडिटिंग कीजिए, कोई भी आपको दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो जानकारी अगर अच्छी लगे हो दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को दोस्त सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्त आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।